अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं महेंद्र पासवान, मजदूर किरायेदार विकास पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज का जो हमारा वीडियो मैसेज है कुछ ऐसे पत्रकार भाइयों के लिए है जो समाज के लिए अपना टाइम निकालते हैं, समाज की अच्छाई बुराई दिखाते हैं और सरकार को गली कूचों से खबरें निकालकर सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो गरीब आदमी की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, आज उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकारों को आगे आना बहुत ज़रूरी है। मेरा कहना ये है कि साथियों, हमारे देश में बहुत सारे छोटे मझोले साप्ताहिक अखबार चलाने वाले संपादक हैं, रिपोर्टर हैं, यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार हैं, साप्ताहिक खबरें चलाने वाले पत्रकार हैं, ये बहुत सारे मध्यम और निचले तबके के जो अखबार हैं जिनको सरकार से कभी ऐड नहीं मिलती है, वो लोग आज सरकारी की चीज़ें महसूस करते हैं तो लगता है कि हर जगह सरकार ने कभी रिक्शे वाले को दिया 5-5 हज़ार, ऑटो वालों को दिया, कैब वालों को दिया, मजदूरों को उनको चीज़ें मिल रही है, अनाज मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हर तबके को मतलब कुछ ना कुछ सरकारों ने दिया है। लेकिन एक तबका ऐसा है जो समाज की अच्छाइयों को, समाज की जो अंदर चीज़ें हैं लिखता है, दिखाता है, चैनल वाले हैं, साप्ताहिक अखबार वाले हैं, रोजाना अखबार वाले हैं, मझोले अखबार वाले हैं, मतलब इस तरह के बहुत सारे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो लोग हैं, ये इनके लिए भी हमारी मांग है कि इनको भी कम से कम, लॉकडाउन जब से हुआ है तब से, आगे पता नहीं कब तक होगा, इसके लिए इनको 35,000 रुपये कम से कम महीना दिया जाए ताकि इनका भी घर का खर्चा चले और ये भी भुखमरी की कगार पे ना आए। बहुत जान जोखिम में डाल करके ये लोग खबरें दिखाते हैं समाज की। साथियों, हर तबके के लिए आपने कुछ जरूर किया। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को, आप लोगों ने हर चीज़ का ध्यान रखा, कमोबेश सबका ध्यान दिया है। बड़े चैनल वाले जो हैं, बड़े अखबार वाले हैं, उनको आप लोग करते हो मैनेज, लेकिन जो छोटे और मझोले अखबार हैं, रिपोर्टर हैं, ये लोग आज इनकी आवाज़ को खुद ही जो है आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, शर्म के मारे या कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन सरकारों को भी सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, आपको भी सोचना चाहिए कि कम से कम ये जो पत्रकार भाई हैं, ये अखबार वाले हैं, ये जो चैनल चलाने वाले लोग हैं, ये रिपोर्टर भाई जो हैं, इनके लिए भी कम से कम 35,000 रुपये महीना इनको दिया जाए ताकि इनका भी परिवार भुखमरी से ना मरे। साथियों, यही वो समाज है जो गली कूचों से लोगों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाती है, प्रशासन तक पहुंचाती है, पुलिस तक पहुंचाती है, उसके बाद चीज़ें शुरू होता है आना जाना। और हम इसी तबके को इग्नोर कर रहे हैं या जानबूझ के या बिना मतलब जानबूझ के या अनजाने में, ये सरकार को अच्छी तरह पता होगा, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पत्रकार भाइयों को भी आप भूलिए मत, क्योंकि यही हैं आपको बहुत बड़ा बनाने वाले। इनको अगर भूलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम बाकी चीज़ें करेंगे और ये ठीक से दिखा पाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है दोनों सरकारों से, केंद्र और राज्य सरकार दोनों से, इस समय सबका जीवन बचाने का समय है। लॉकडाउन जैसी परिस्थिति पूरे विश्व में चल रहा है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी सरकारों ने हर तबके के लिए कुछ ना कुछ किया है। मेरा आग्रह है कि ये जो पत्रकार भाई हैं, चाहे यूट्यूब चैनल वाले हों, चाहे साप्ताहिक अखबार निकालने वाले हों, डेली बेसिस पे अखबार निकालने वाले लोग हैं, इनकी सरकार मदद करे। केजरीवाल जी, आप इनकी मदद करें, इनको कम से कम 35,000 रुपये महीना दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं खाएंगे, इनको तो आपके जो प्रशासन के लोग हैं उनको भी कवर करना होता है, इनको पब्लिक को भी कवर करना होता है, इनका गाड़ी का तेल भी भुगता है, रात दिन एक करके खबरें जुटानी पड़ती है, मतलब इनका खर्चीला एक रूटीन है,
जो घर में बैठ के नहीं हो पाता है, इसलिए इनको एक 35,000 रुपये का पैकेज हर महीना आगे 3-4 महीना या जब आप जैसा भी ठीक समझें, आपके जो सलाहकार हैं उनसे बात करें और इसके लिए जरूर करें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तो आप जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि हमारे पत्रकार भाइयों का सवाल है। हमारा जो चौथा स्तंभ है, जो निचले तबके के पत्रकार हैं, जो निचले स्तर की खबरें उठा के सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बड़े बड़े जो चैनल हैं, बड़े बड़े जो अखबार हैं, वो तो सरकारों के दया दृष्टि पे चल ही रहे हैं, लेकिन ये जो बेचारे हमारे अखबार वाले हैं, जो छोटे मोटे साप्ताहिक अखबार हैं, रोजाना रोजाना वाले अखबार हैं, या यूट्यूब चैनल चलाने वाले रिपोर्टर हैं, इनको भी बचाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।